सो so, अस्सलाम इन ब्लॉसम स्टडी कैसे हैं आप ठीक ठाक अच्छा जी सो इन प्रीवियस क्लास हमने बात यहाँ पे छोड़ी थी कि हम डिस्कस करेंगे कलम को ठीक है तो आई होप के आप लोगों के लिए ये सेशन होपफुल रहेगा आज का भी सो so, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आप लोगों को आ, डिटेल में ये तमाम चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूँ राइट सो so, कलम आप में से बहुत सारे लोगों ने कलम के बारे में सुना हुआ है कि क़लम होते हैं जी वुडन कलम होते हैं बहुत सारे डिफरेंट कलम हैं अब ये देखिएगा मैं आपके सारे आपके सामने वो तमाम क़लम जो मेरे पास अवेलेबल हैं और मेरा हर एक कलम के साथ कैसे एक्सपीरियंस रहा है आई एम गोइंग टू शेयर इट विद यू सो मार्केट में बहुत सारे मुख्त कलम मौजूद हैं आपने क्या परचेस करना है आपने सबसे पहले मटेरियल देखना है ये मटेरियल देख रहे हैं आप ये रेशे नज़र आ रहे हैं आपको ये ये जो रेशे हैं ये इस किस्म का कोई कलम अगर आपको दे और वो कहे कि ये फैंसी कलम है बड़े अच्छे कलम हैं ये वो आपने नहीं परचेज़ करने इस किस्म के कलम प्लीज़ डोंट बाय सच कलम दीज आर नॉट ओरिजिनल कलम्स इनमें क्या है इनमें प्रॉब्लम होता है कि जब आप इनको शार्प करते हैं और शार्प करते करते ये ख़त्म हो जाता है तो ये रेशे बहुत ज़्यादा इसके नरम होते हैं और ये देखें अभी ही ये देखिएगा आप ये देखें ये इस कदर सॉफ्ट कलम होते हैं और ये ज़्यादा टफ uh, नहीं है सख्त नहीं है ठीक है सो डोंट बाय दिस कलम सो इट इज़ रिजेक्टेड फिर चाहे वो पीछे इस किस्म का थ्रेड लगा के और बड़ा फैंसी सा करके भी सेल कर रहे हों प्लीज डोंट बाय दिस कलम और राइट ना द नेक्स्ट थिंग इज विज वि वन इज द राइट कलम सो हेर इट इज द बैम्बो कलम ये है बैम्बो कलम ठीक है औरिजिनल बैम्बो कलम है ये इसमें आप ये आप देखिएगा ज़रा ये मैं थोड़ा सा लाइट के करीब करके आपको दिखा देती हूँ ये देखिएगा ये अब देखिए ठीक है तो ये आप इसमें देख रहे हैं स्पेस इसमें भी होगी अच्छा एक और आप देखते होंगे जिसको काने का कलम या कलम बिल्कुल हल्का सा वो होता है फाइव थ्री फाइव रुपीज़ में आपको मिल जाता है वो भी आपने यूज़ नहीं करना ठीक है ना तो वो भी नहीं यूज़ करना ये चीज़ है जो आपको परचेज़ करनी है इट इज़ गुड वन आ, इसी की एक और टाइप ये है ये ज़्यादा बेहतर है ये वाला ज़्यादा बेहतर है ये जो थोड़ा सा डार्कर टोन में है ये इससे कम है लेकिन ये भी इफ़ेक्टिव है ये भी सही काम करता है लेकिन ये जो क्वालिटी है ये बेस्ट क्वालिटी है इसमें मेरे पास डिफरेंट साइज़ के बहुत सारे डिफरेंट कलम मौजूद हैं इन दोनों में अब जब आपने पहचान करनी है तो वो पहचान का तरीका क्या है आप ये देखें कि ये जो है इसकी ये चीज़ थोड़ी सी ये ये थिकनेस है और इसकी थिकनेस कम है तो बस जिसकी थिकनेस कम है ना आ, अगर आपके पास ऑप्शन ही आता है तो आपने ये परचेज़ नहीं करना ये ज़्यादा बेहतर है ठीक है अच्छा नेक्स्ट मार्केट में ना अभी इस टाइम पे स्कैमिंग हो रही है और ये इस किस्म के कुछ कलम भी मौजूद हैं ये बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं है ठीक है कुछ भी नहीं है इनमें ये आपने नहीं लेने या आपने यूज़ नहीं करना और इसी तरह से आपको एक ऐसा भी मिलेगा ये भी आपने नहीं लेना ठीक है प्राइस प्राइस की भी हम बात करते हैं अभी बात करते हैं पहले आप क्वालिटी को देखिए ठीक है फिर ये जो कलम है सुपर कलम बट ये अभी आप लोग अगर बिगनर लेवल पर हैं तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप ये वाले कलम लें ये मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज़ करते हैं कैनवाज़ पे जब आप कलम से लिखना चाह रहे हैं तो आप कैनवस पे फिर आ, ये वाले कलम इस्तेमाल करते हैं ठीक है ये देखें इसमें मेरे पास डिफरेंट साइजेस मौजूद हैं अच्छा प्राइस की बात करें तो स्कैमिंग क्योंकि हो रही है एंड आई हैव परचेज दिस कलम इन टू हंड्रेड रुपीज़ कैन यू बिलीव जस्ट ए सिंगल कलम लेकिन वो यूज़ के बाद और ये क्योंकि ऑनलाइन में मैंने आपको बताया था कि इशू हो सकता है सो ये इशू हुआ सो डोंट बाय सच प्रोडक्ट ये जो कलम uh, है बैम्बो कलम जो है ये बैम्बो कलम जो है ओरिजिनल ये uh, आपको राउंड अबाउट फिफ्टी से हंड्रेड रुपीज़ के दरमियान में एक कलम मिलेगा इन पाकिस्तान आई डोंट नो अबाउट अदर कंट्रीज़ बट इन पाकिस्तान यू कैन परचेज़ दिस कलम फॉर वन सिंगल कलम फॉर फिफ्टी टू हंड्रेड रुपीज़ पाकिस्तानी रुपीज़ और राइट ओके नेक्स्ट वन इज़ दिस ये तो आपने परचेज ही नहीं ना करना है इसके बारे में तो मैं आपको पहले ही बता दिया कि आपने ये डोंट बाई इट बिल्कुल वेस्ट है क्योंकि ये इतना uh, इतना टफ एंड रफ है कि जब आप इसको यूज़ भी करते हैं आप कितनी देर इसको सोक करेंगे नहीं ये अच्छी कलम नहीं है डोंट बाई इट सही अच्छा फिर उसके बाद ये कलम आ जाते हैं तो ये बहुत पेंसी और हाई क्वालिटी और टर्किश कलम ये वाले हैं तो ये आपको इस टाइम पे फेसबुक पे डिफरेंट पेजेस आपको नज़र आ रहे होंगे जो कह रहे हैं कि जी इसका सेट पूरा मौजूद है थर्टीन हंड्रेड में है और फ़्लाह है और ये है, आपने प्लीज़ इनको बाय नहीं करना ओरिजिनल प्रोडक्ट की तरफ जाइएगा और ओरिजिनल प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है एक्सपेंसिव इन सेंस अगर इनके कंपैरिजन में देखें जैसे ये फिफ्टी टू हंड्रेड रुपीज़ में आपको एक कलम मिल जाता है ये जो है ये समहा आपको सेवन फिफ्टी प्लस में ये कलम मिलेगा एक कलम ठीक है जी सो so, कलम के प्राइस हो गए अगर इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है जल्दी से कमेंट्स में बताइए अगर नहीं है तो भी बताइए ताकि हम आज का सेशन बाकायदा स्टार्ट कर सकें आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अलीफ और बा की प्रैक्टिस कर ली हुई है जी हाउ ऑफ यू हैव डन अलीफ बा प्रैक्टिस गुड जी हफ्सा आपको मैंने बता दिया ना अभी किंग की प्राइस क्या है तो बस आपने अकॉर्डिंगली चलना है अच्छा जी आज हम जो लिखने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत लेटर है लेटर है पहला हमारा आज का जीम जीम के बाद हम देखेंगे दाल और रा को सो so, जीम में क्या है इनके बारे में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू अबाउट इट ओके सो अभी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं जीम की जीम में क्या है कि अच्छा एक एक टिप है टिप क्या है कि जैसे अभी मैं ये कलम यूज़ कर रही हूँ या मैंने ये कलम कोई भी कलम अगर मैं यूज़ रही हूँ तो इसके ऊपर ये इंक जम जाती है और जब इंक जम जाती है ना तो ये आ, फिर ज़्यादा देर इंक को लेकर एक पेपर पे नहीं आप चल सकते तो आपने क्या करना होता है आपने इसको करना होता है क्लीन और क्लीन करने के लिए यू मस्ट हैव हैवी पेपर कटर और इसको यूं रख के या यूं रख के आप नहीं करेंगे आप ऐसे अगर साफ करेंगे तो आपकी कलम कट जाएगी आपने क्या करना है ये देखें परपेंडिकुलर मैंने रखा हुआ है ये यू कैन सी और अब ये मैं इसको हल्का हल्का सा ऐसे साफ करूँगी तो आपको मैम इट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू हफ्सा अगर के आप अच्छे से समझ लेते हैं कोई भी लेटर ठीक है अगर आपको समझ में आ गया है और अब आप उसे अपनी जो माइंड में आपके पास एक इमेज उसका बना है वही इमेज पेपर पे आप कितनी समझ के साथ कितने कंट्रोल के साथ कितना ज़्यादा अंडरस्टैंड कर लिया आपने कि फिर आप उसे पेपर पे उतारने लगे हैं इट ऑल डिपेंड्स कई लोग ऐसे भी मुझे अपना काम भेज रहे होते हैं कि वो नंबर ऑफ प्रैक्टिस uh, मुझे बता रहे होते हैं कि मैंने एक लेटर को 300 टाइम्स लिखा है या 500 टाइम्स लिखा है और आप कैसे कह सकते हैं कि जी मैंने जो लिखा है वो गलत है तो मैं ये इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि आप चाहे 300 टाइम्स लिखें 700 टाइम्स लिखें बट अगर आपने उसको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं लिखा तो वो थ्री हंड्रेड लिखे हुए का कोई फ़ायदा नहीं है आप दो दफ़ा लिख लें लेकिन उसको पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ लिखें हर एक पार्ट को अंडरस्टैंड करके लिखें तो फिर बेहतर है अच्छा अब ये देखें मैंने ये कलम साफ कर लिया हुआ है ये आप देख सकते हैं ये ये देखें कलम अब नीट है नीट एंड क्लीन है और ये सारी इंक उतरी है ना कि मैंने कलम को नहीं यानी उसको उसकी शेप को मैंने नहीं डिस्टर्ब किया जस्ट जो इंक थी जो ड्राई हो चुकी थी उसको हमने उतारा तो आज का लेटर क्या है जी जीम ओके जीम लिखना पहले हम कलम से देखेंगे और फिर हम ब्रश से भी लिखेंगे अगर आप लोगों ने इजाज़त दी तो अच्छा जीम लिखना है और जीम के लिए सबसे पहले आप क्या बनाएंगे अच्छा आपको अलीफ और बा को देख के तो समझ आ गई ना कि ये चीज़ ये स्टार्ट जो है ये सबका ज़रूरी है ठीक है अब क्या है ये पहला कलम से जब आप लिख रहे हैं ना वेन एवर यू आर यूजिंग कलम और जहाँ कहीं आ, पूरा ये देखें ये जैसे अब ये पूरी विर्थ लिखी है पूरी वर्थ के साथ लिखा है तो आपका ये बाहर के टिप और ये अंदर के टिप यानी ये दोनों पॉइंट्स पूरी इसका जो पूरा कथ है वो टच करना चाहिए पेपर के साथ ऑल राइट right. ये है जी आपका फर्स्ट पार्ट एक वेव की सूरत में आया है इस तरह से मैं दोबारा बनाती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए फर्स्ट पार्ट ये देखिएगा ठीक है थोड़ा सा कहीं पे जंप आ जाए ये ये जो मिसिंग होती है इस इसको आप ज़रा करेक्ट कर सकते हैं इसकी इजाज़त है ठीक है इतना आपके पास एवरेज होता है कि आप इसको कलम की टिप से ठीक कर लें ना द सेकेंड पार्ट इज यहाँ ये चीज़ बनाने के बाद अब आप ये एक देंगे एक कथ देंगे ठीक है एक कथ यहाँ पे कंप्लीट हुआ अभी यहाँ से नेक्स्ट आप उठाने वाले हैं तो नेक्स्ट उठाने के लिए आपने क्या करना है ये कर दिया इसे थोड़ा सा नीचे रख के ये ये गुलाई ये करके नाव अब क्या कर रहे हैं आप इसको लेके जाएंगे पूरी विड्थ के साथ नीचे ठीक है अब यहीं से यहीं से और यहाँ आएगा इसका ये नुक्ता, ठीक है अब इसमें जो आप थोड़ी सी चेंजेस कर सकते हैं वो क्या आप इसको यहीं पर ला कर इसे थोड़ा सा नीचे लाएं इधर नुक्ता बना लें मैंने इधर साइड पर बनाया आप इधर इस दरमियान में भी बना सकते हैं ठीक है सो ये है जीन स्टार्ट एक वेव आई फिर पूरा राउंड है यहाँ पर आके ये बारीक हो गया है यहाँ पर फिर एक वेव बनती है फिर स्ट्रेट जा रहा है ऊपर और फिर ये फिर पूरा बोल्ड बना और यहाँ पे ये नुक्ता बन गया ऑल राइट नेक्स्ट लेटर हमारा है दाल दाल में क्या है ये चीज हमने ज्यादा लेंथ में बनाई है इसकी लेंथ ज्यादा है ये देख सकते हैं इसकी लेंथ हमने ज्यादा बनाई है जो दाल लेंगे आप जो आप दाल लिखने वाले हैं इसमें अब लेंथ आप रखेंगे कम लेकिन स्टार्ट उसी तरह से ही है ऐसे अब फिर आपने ये एक्स्ट्रा देना है इसे आपने पूरी वेव दी थी यानी ये घुमा के लाए थे यहाँ पे घुमाना नहीं है यहाँ पे इसको आपने ये यहीं से नीचे नहीं लेकर आना इसको थोड़ा सा आप आगे लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा दाल अब बात करते हैं रा की यह बहुत ज्यादा हॉरिजेंटल है ठीक है लेकिन रा में आप इसको ऊपर से लेंगे ऐसे एक वेव बनाएंगे ये देखें ये वेव बनाई वेव बनाने के बाद यह बनाएं यहीं पर भी आप छोड़ सकते हैं इसको लेकिन ये आपको फर्क पता चल रहा होगा कि इन दोनों में यानी इन दोनों में डिस्टेंस कम है और यहाँ पे इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है ये ज़्यादा है ये गैप ज्यादा है और ये ऊपर से आपने स्टार्ट किया है वेव ये एक तरह से हॉरिजेंटल वेव है और ये एक वर्टिकल वेव के तौर पर आप बना रहे हैं यहाँ तक बना सकते हैं तो भी ठीक है दूसरा क्या जैसे हमने अलिफ के एंड पे जो हमने सबसे पहला अलिफ किया था उसके एंड पे ये शेप बनाई थी आप ये शेप भी बना सकते हैं सो so, ये है जीम दाल और रा। अब मैं ज़रा आपके कमेंट्स देख लूँ कि आपकी क्या क्वेश्चंस हैं एंड देन आई विल ट्राई टू राइट इट विद पेंट एंड ब्रश जी सबसे पहले तो अलीफ आपने पूछा एक लेटर की प्रैक्टिस में कितना टाइम लगता है तो आई होप कि आपको मैंने आ, इसका भी आंसर क्लियर कर दिया है आपको समझ आ गई होगी मेरी बात दूसरा है कि कैलीग्राफी बाय ऐसे मैंने कलम से लिखा है पर ब्रश से नहीं आता सो पेंटिंग नहीं बनती तो कलम से सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है कलम से, लिख, से सीखने का आप को किसने कहा कि कोई फ़ायदा नहीं है या फायदा है कलम की अपनी वर्थ है कलम का फर्स्ट सेशन में मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बताया था कि कलम की वर्थ क्या है और क्यों है कलम से अगर आप एक दफ़ा लिखना सीख लेते हैं अगर आपको कलम पकड़ना आ जाती है अच्छा एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि जी लेफ्ट लेफ़्टडेड का एंगल कुछ और होगा राइट हैंडेड का एंगल कुछ और होगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है जब आप लाइट राइट हैंड से कलम यूज़ करें ब्रश यूज़ कर रहे हैं सेम एंगल होगा आप लेफ़्ट हैंड से कलम यूज़ कर रहे हैं ब्रश यूज़ कर रहे हैं सेम एंगल होगा पहली चीज़ दूसरी चीज़ ये है कि कलम से जब आप लिखना सीख लेते हैं ना आपके हाथ पे बेहतरीन कंट्रोल कलम से आएगा ये मैं आपको बताऊं जब आप कलम से लिखना सीख लेंगे फिर आप जब ब्रश को यूज़ करेंगे आफ्टर लर्निंग हाउ टू राइट विद कलम इफ़ यू हैव कम्प्लीटेड इट देन यू कैन डू इट विद ब्रश ये एक तयशुदा बात है कि अगर आप कलम से लिखना सीख लेते हैं तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है आप फिर किसी भी चीज़ से लिख सकते हैं ठीक है तो इसका फ़ायदा ही है नुकसान कोई नहीं है पेंटिंग पे क्यों नहीं लिखा जा सकता या आप कह रहे हैं कि ब्रश पर ब्रश से नहीं आता सो पेंटिंग नहीं बनती पेंटिंग बनेगी ज़रूर बनेगी आप पहले प्लीज़ बार बार मैं आपसे कहूँगी कि आप पहले कलम से लिखें आपके हाथ में नीटनेस आए ये वाला ये जो फ्लो आता है एक पूरा फ्लो ये आ जाएगा देन यू कैन डू इट विद ब्रश ऑल्सो अच्छा जी सामिया नाजिम मैम एज़ यू आर लेफ्ट सो काइंडली कैन यू प्लीज चेंज द एंगल ऑफ़ कैमरा कॉज जब लिख रही होती हैं तो नज़र नहीं सारा आता मैम बात यह है कि अगर मैं कैमरा चेंज कर लूँगी ना तो मैं फिर आपकी चैट को फ़ौर फ़ौर साथ में आंसर नहीं कर सकती लेकिन मैं ये कोशिश करती हूँ को, कि आपको सही से नज़र आ जाए तो अभी भी जैसे अब आपके सामने मैं फिर डिमॉन्सट्रेट कर देती हूँ ये एक पहला पार्ट आपने बनाया एज ए वेव फिर उसके बाद ये एक आ, ये जो है ये वाला पार्ट ये एक सर्कल के तौर पे आपने लिया यहाँ से ये बारीक हो जाएगा और फिर यहाँ पर ये मूवमेंट आएगी यहाँ तक यहाँ से आप कलम को उठा के ऊपर लेकर जा रहे हैं फिर यहाँ से ये गुलाई के साथ इधर और फिर यहाँ पे नुक्ता बन जाएगा दाल में भी ऐसे ये पहली एक हॉरिजॉन्टल वेव बना रहे हैं सेकंड में आप इसको स्ट्रेट लेके जा रहे हैं यहाँ से आपने पॉइंटेड कर दिया फिर यहाँ पर है रा वर्टिकल वेव बनाई है फिर आपने वही वाली मूवमेंट दी है जो यहाँ पर जो यहाँ पर आपने इस्तेमाल किया है ना यही मूवमेंट आपने यहाँ पर दी और आगे आपने बारीक अपना डिटेल का काम कर लिया ठीक है सो so, uh, जी आपको मैंने आंसर कर दिया कैलीग्राफी एस बाईस रैया बट वालकम्सम मैम uh, मैम आप कौन सी इंक यूज़ करते हैं मिन ब्लॉसम स्टडी इफ़ यू आर आस्किंग अबाउट दिस केस कंटेनर में कौन सी इंक है तो यहाँ पर मौजूद है जी इंडियन ब्लैक इंक अगर आपको ये मिल जाए वेल एंड गुड नहीं मिलती ओमेगा की ड्राइंग इंक मौजूद है आप वो यूज़ कर सकते हैं दूसरा ये है कि प्राइमर की इंक भी मार्केट में अवेलेबल बट अवेलेबल है बट आई डोंट सजेस्ट यू टू बाय दैट ठीक है आप ओमेगा की ड्राइंग इंक या इंडियन ड्राइंग इंक ब्लैक कलर की होती है मोस्टली आप वो यूज़ कर सकते हैं ठीक है ब्रश हैंडल क्यों नहीं हो रहा नीट नहीं होता अच्छा अब ब्रश हैंडल क्यों नहीं हो रहा तो इसकी भी कुछ चीज़ें हैं कि कलम या पेंसिल और ब्रश या मार्कर इन सब को पकड़ने का डिफरेंट वे होता है अभी आज जो हम लिखते हैं ब्रश से तो आप ज़रा गौर कीजिएगा अगर हो सके तो आप अपना मटेरियल अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसको उठाएं और अभी मेरे साथ प्रैक्टिस कर लें बल्कि आप सबके लिए सजेशन है कि अगर आप लोगों को कहीं पर कोई डिफ़िकल्टी होती है तो प्लीज़ नौ बजे अपना मटेरियल अरेंज रखा करें ताकि हम प्रैक्टिस कर सकें सो तो अभी हम काम करेंगे ये मेरे पास ब्रश है जी और ब्रश है ये फ्लैट टिप ब्रश अगर आप कहते हैं तो सॉरी टिप ब्रश से हम काम करते हैं आप दोनों ब्रशेस यूज यूज़ कर सकते हैं फ्लैट टिप ब्रश है या टिप ब्रश है लेकिन ब्रश को हैंडल करने का उससे काम करने का थोड़ा सा तरीकाकार डिफरेंट है मैं आपको पहले एक वेव ये फ्लैट टिप ब्रश से लगा के दिखाती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं क्या बात कर रही हूँ ऑल राइट ओके सो ये है मेरे पास रेड कलर और अब मैं लिखूँगी यहाँ पर जीम जीम जैसे मैंने आपको बताया अभी देखिए कलम क्योंकि हम उसको ऐसे यूज कर रहे होते हैं बात समझ रहे हैं आप अब ब्रश को आपने बिल्कुल टिप से जाके नहीं पकड़ना थोड़ा सा फ्री हैंड होता है और आप इसको कैसे हैंडल करते हैं लुक एट दिस जब आप ही ब्रश यूज कर रहे होते हैं ना तो आपके ब्रश का एंगल ये देख सकते हैं आप क्या है तो पहा आज का पहला लेटर क्या है यहाँ से फिर मैंने एक एक्स्ट्रा दिया था स्ट्रोक और कट एक्स्ट्रा लगा कर जी फ्लैट से सिखा रही हूँ अभी ये है वो कंट्रोल जिसकी मैं बात कर रही बात समझ एक दफ़ा में पूरा स्ट्रोक आप दें और ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस के लिए क्या है आप लेटर्स पे अभी फ़िलहाल ना जाएं आप एक सिंपल वेव्स और डिफरेंट शेप्स आप अपने ब्रशेज से बना कर देखें ताकि आपको थोड़ा कंट्रोल आ जाए आपके पे, इस पे ब्रश पे यहाँ पे जो डिस्टेंस है ना ये आपको नजर आ रहा होगा बस ये इस तरह से आपने मैनेज करना है इस डिस्टेंस को लाए और यहाँ पे ये करके ये ना सिंपल और बाद में ये जो थोड़ा बहुत आपको अब अंदाज़ा है कि जो जम्प्स आ रहे हैं इनको आपने करेक्ट कर लेना है ऑल राइट right, ये हो गया जीम अब है दाल बस देख रहे हैं ना बिल्कुल किस तरह से मैं पकड़ी हूँ अभी मैं चीज़ल टिप से भी आपको लिख के दिखाती हूँ तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे पकड़ना है अब है जी दाल और दाल क्योंकि एक औरजेंटल वेव बनानी है लेकिन इससे कम है ये यहाँ पर भी एक, एक एक्स्ट्रा लगा कर और अब यहाँ से इसको उठाना नहीं है इसको बिल्कुल ये ये ले ये आपने फ्लैट लेकर आना है मैम डेली जो ये सॉरी कैलीग्राफी बाय एस आपके लिए है कि डेली क्योंकि हम अपने लेटर्स को कंप्लीट करेंगे तो फिर आ, आप एक ही सेशन में मैं आज आपको तमाम चीज़ें नहीं बता सकूंगी हम आज अपने लेटर्स कंप्लीट करेंगे और इन फिर डे बाय डे हम छोटे और डिफरेंट साइज के ब्रशेस को भी प्रैक्टिस में लेकर आएंगे ठीक है तो आप आज के लिए आपके लिए क्या टास्क है कि आप पहले ये फ्लैट ही ब्रश इसको यूज़ करना और किस तरह से मैं यूज़ कर रही हूँ ये देखिए ठीक है एक एक्सरसाइज आप ये कर लें पहले देन वी विल मूव ऑन ये राह है ये देखें ये वेव बन गई अब मैं क्या करने वाली हूँ यहीं पे छोड़ना चाहते हैं यहीं पे छोड़ दें अदरवाइज़ मैंने आपको क्या बताया ये चीज़ भी आप बना सकते हैं और जैसे कि मैंने आपको आ, जो फर्स्ट लेसन था हमारा ये लाइव स्ट्रीमिंग का इसमें मैंने बताया था कि आप यही काम आ, एक राउंड टी ब्रश पॉइंटेड ब्रश से भी कर सकते हैं ठीक है तो आई सजेस्ट कि यहाँ पर फिर आप वो ब्रश यूज़ कर लें सो so, जीम दाल रॉ जल्दी से मैं यहाँ पर अब आपको चीज़ल टिप ब्रश के साथ भी ये अगर आपने कहा छोटे ब्रश के साथ चलें आज चीज़ल टिप में हम छोटा ब्रश यूज़ कर लेते हैं ठीक है तो एक मिनट दीजिएगा ये अभी हम चीज़ल टिप ब्रश यूज़ कर रहे हैं ये है चीज़ल टिप ब्रश ऑल राइट सो यू कैन यूज़ दिस वन टू लेकिन अब इसके लिखने का तरीका देखेगा जी हाँ बिल्कुल हर ब्रश का तरीका सेम होता है साइज वाइज़ बट जैसे चीज़ल टिप ब्रश है तो अब मैं इसको जब लिख रही हूँ ये जस्ट मैं दाल की प्रैक्टिस आपको दिखाती हूँ देखिएगा उसमें मैंने ब्रश को फ्लैट टिप को बिल्कुल ऐसे रखा हुआ था स्ट्रेट ठीक है इसमें मैं थोड़ा सा इसे टिल्ट कर रही हूँ दाल लिखेंगे ये देखिए थोड़ा सा एंगल हम चेंज कर लेते हैं जब भी हम ब्रश चीजल टिप ब्रश यूज करते हैं इसको थोड़ा सा बारीक करेंगे यहाँ से और इसको मैं यहीं पे छोड़ दे ऑल राइट right जी सो so ये हो गया आज चीज़ल टी ब्रश भी मैं हमने यूज़ किया हमने फ्लैट टी ब्रश किया यूज़ हमने कलम को थोड़ा सा डिस्कस किया मैंने आपको प्राइस वाइज बता दिया है कि विच कलम इज़ बेस्ट फॉर यू और अब आपने परचेज़ करने हैं और फॉर दी नेक्स्ट टाइम जब भी आप लोग इस सेशन को अटेंड करें तो प्लीज़ अपने मटेरियल को साथ रखिएगा यहाँ पे मैंने ये इंक में नहीं लिखा ये मैंने एक्रिलिक पेंट के साथ लिखा है जिसे मैंने डाइल्यूट किया हुआ है ऑलराइट राइट कैनवस शीट पे मैं लिख रही हूँ जब भी एक्रेलिक यूज़ कर रही हूँ कैनवस शीट पे कर रही हूँ और जब मैं इंक यूज़ कर रही हूँ ड्राइंग इंक या कैलीग्राफी इंक तो वो मैं आर्ट पेपर पे यूज़ कर रही हूँ आई होप के आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अगर आज के लेसन में कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ जल्दी से कमेंट्स में बताएं आज का सेशन कैसा रहा ये भी जल्दी से बताएँ और अगर आप चाहते हैं कि ये जल्दी जल्दी सेशन चलते रहें और आप कुछ सीख सकें तो प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट में बताएँ अदरवाइज़ अगर आप लोगों की तरफ से मजीद मतलब कोई ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स ना हुआ तो हम इस सीरीज़ को यहीं पर छोड़ देंगे आपने अब मुझे नहीं पता कि इंक कौन सी आप यूज़ कर रहे हैं अगर आपने इंक में थ्रेड यूज़ किया है तो आई डोंट अलाउ यू टू यूज़ थ्रेड थ्रेड मत यूज़ कीजिएगा मेरे पास जैसे ये इंक मौजूद है बल्कि ये थोड़ी सी इंक मेरी कम हो ही रही है तो चलें आज इंक बनाना भी सिखा ही दूँ कि रहने दूँ वेट डू यू थिंक आई शुड टेल यू अबाउट इन डिटेल कि आप सिखा दूँ अच्छा जी तो अभी जरा हम इंक भी ले लेते हैं यहाँ पर ये मेरे पास आप देख सकते हैं दो डिफरेंट इंक है एक ये है इंडियन आ, ड्राइंग इंक एक मिनट मैं भी आपको बता रही हूं आप जरा वेट कीजिएगा कि इशू आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कहाँ पर हुआ ये इंडियन है प्राइमा इंक मैंने आपको कहा कि यूज नहीं करनी प्लीज डोंट अलाउ प्राइमा इंक और ये है ओमेगा की ड्राइंग इंक ये बेहतर है आप प्राइमा इंक मत परचेज करें आप ओमेगा इंक ले लें ठीक है और ये इस तरह से मौजूद है अब ये ओमेगा की इंक जो मैंने यूज़ करनी है तो ड्रॉपर इंक हो या ये ये इंक हो चीज एक ही है ठीक है आप में से आई थिंक किसी ने स्पेसिफिक करके ड्रॉपर इंक का पूछा था ओमेगा के ड्रॉपर इंक तो ये देखेंगे मैंने इंक डाल दी इसमें कभी भी आप एक्रेलिक को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते एक्रिलिक्स क्योंकि मैं जो यूज करती हूँ वो हैवी बॉडी होते हैं थिक होते हैं सो आई कान यूज देम डायरेक्टली फ्रॉम द ट्यूब ऑन दी कैनवस फॉर कैलीग्राफ़ी तो मैं क्या करती हूँ मैं यूज़ करती हूँ उन्हें आ, चलें आज ये वाली इंक देखें ना कि कैसे बना रही हूँ तो नेक्स्ट टाइम वो अब एक एक ही सेशन में सारा कुछ तो मैं नहीं आपको बताऊँगी सो so वन बाय वन चलें ज़रा आपको भी लर्निंग में मज़ा आएगा और मुझे भी समझाने में मज़ा आएगा ठीक है सो so आज हम ये इंक देख रहे हैं जो कलम के लिए यूज़ करनी है अब मैंने ये डाल दिया अच्छा अब ये बनाते हुए ये देखिएगा कि ये इसमें ये मैंने क्या डाला वह गॉज़ ये थ्रेड नहीं है प्लीज़ मैं बार बार बता रही हूँ ये थ्रेड नहीं है ये जो आप बैंडेज ना यूज़ करते पट्टी जो इस्तेमाल होती है कॉटन की बारीक वाली पट्टी जो इस्तेमाल होती है बिल्कुल बारीक जो होती है कॉस्ट जिसे कहते हैं ये वो यूज़ किया गया है ठीक है ये वो मैंने इसमें डाला हुआ और इतना इतना ज़्यादा नहीं डाला इतना सा लिया है कि ये आ, इंक सोख हो जाए इसमें अब हो गई अब अगर लिखते हुए मुझे लग रहा है कि ये इंक थिक थी जैसे कि ये जो इंडियन की ये जो इंडियन ड्राइंगिंग है ना ये ज़्यादा थिक होती है तो मैं उसके हिसाब से इसमें ये रोज वाटर ऐड कर रही हूँ जी जो जाली टाइप वाला कपड़ा होता है ना वो बेसिकली बैंडेज होती है और उसे गॉस कहते हैं तो ये देखे मैंने इसके अंदर किया अब इसको अच्छे से मैंने इसमें सोक कर रही हूँ और बाद में मैं, मैं इससे लिखूंगी कोई इशू भी नहीं होगा हाँ प्राइमा की इंक आपने यूज़ नहीं करनी डाइल्यूट करने के लिए रोज़ वाटर यूज़ करना है अपनी कैलीग्राफी ड्राइंग ड्राइंग्स को यूज़ कर बनाते हुए और जब एक्रीलिक्स की बात करनी है तो वो हम कल डिस्कस करेंगे कि एक्रिल्स में आप क्या काम करें वैसे बाय द वे आप लोग कौन से एक्रीलिक के पेंट्स यूज़ कर रहे हैं मतलब मैरिज के सिक्यूरा के कीप स्माइलिंग के आ, कौन से फेबर कैसल के कौन से ज़रा कमेंट्स में बताइएगा मुझे अंदाज़ा हो जाए कि जो मेरी ऑडियंस है वो किस ब्रांड को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं अगर आप वाटर ऐड करना चाहते हैं आप कर लें लेकिन उसके अंदर फिर फंगस लग जाएगी इस वजह से आई डोंट रिकमेंड कि यहाँ पे इस इंक में आप वाटर ऐड करें आप रोज वाटर यूज़ करें या डिस्टिल्ड वाटर यूज़ कर लें सिंपल टैप वाटर आप यूज़ मत करें फेबर केसल के पेंट्स मैरीज के पेंट्स सिक्यूरा के पेंट्स ये हैवी बॉडी पेंट्स हैं यानी थिक पेंट्स होते हैं ठीक है ओमेगा के पेंट्स तो मैं उन्हें खैर बेसिकली पेंट कंसीडर ही नहीं करती बहुत ही लो क्वालिटी के और बहुत ही वेस्टेज ऑफ अमाउंट आप कह सकते हैं वो है आप वो प्लीज़ उन्हें यूज़ मत कीजिएगा आप अगर यूज़ uh, करना चाहते हैं वो तो भी मैं आपको कह रही हूँ कि आप ओमेगा के मत यूज़ करें ठीक है अदरवाइज़ फेबर कैसल के यूज़ कर लें मैरिज के यूज़ करें और सिक्यूरा के यूज़ करें तो मैरिज के फेबर कैसल के सिक्यूरा के जब भी हम यूज़ करते हैं हम उसकी जब इंक बनाते हैं क्या ख्याल है अभी बना दूँ या कल बनाऊँ जैसे आप कहेंगे वैसे कर लेते हैं जल्दी से कमेंट में बताइएगा अभी इंक बनाऊ क्रिलिक्स की या कल बनाऊँ जल्दी से जल्दी से आप पे कमेंट्स बताएंगे ना मुझे चलें जी अब भी बनाते हैं ठीक है और मैं मैरिज के पेंट्स को यूज़ करती हूँ और अभी अभी फिलहाल में मेरे पास इस टाइम पे फेबर कैसर भी मौजूद है ब्लू बर्ड्स के मौजूद हैं और यानी डिफरेंट ब्रांड्स अवेलेबल हैं लेकिन आ, मैं अभी जो यूज़ करूंगी वो स्माइल सॉरी मैरिज के होंगे अभी आपको दिखाती हूँ अच्छा जी सो अब भी हम इसको ज़रा थोड़ा सा साइड पे करते हैं ताकि आसानी से आप लोग डिटेल में थोड़ा सा समझ लें आज मैं बता रही हूँ और याद रखिएगा कि ये कौन सा सेशन है और फिर मैंने इसके बाद बताना नहीं है ठीक है कि इंक्स आज हमने क्या क्या डिस्कस किया कलम को फिर हमने कैलीग्राफी इंक को और अब हम देखने वाले हैं ये एक्रोलिक इंक वैसे मजे की बात है कि इसकी वीडियो तकरीबन तो मैंने साल डेढ़ साल पहले अपलोड की थी पता नहीं आप लोगों ने अभी तक देखी क्यों नहीं काफ़ी डिटेल में मैंने वहाँ पे बताया था खैर अभी बता रही हूँ एक एम्पटी कंटेनर लीजिएगा और कंटेनर ऐसा होना चाहिए कि जो एयर टाइट हो सके अब जैसे इसको मैंने मतलब बंद कर दिया तो ये अब एयर टाइट है और मेरी इंक काफ़ी काफ़ी अरसा बनी रहती है। के के इस हैं हैं। हैं, जो बहुत जल्दी हो हो जाते हैं। जब acrylics हो जाते जब वो फिर आपके भी किसी यूज़ के नहीं रहते क्योंकि आप जितना मर्जी उनमें स्प्रे ऐड करें वाटर ऐड करें वो एक प्लास्टिक शीट सी बन जाते हैं। And they are irreversible. कलर जो मैं यूज कर रही हूँ ये है जी मैरिज का एज यू कैन सी मैरिज का कलर है विरिडियन है नंबर है फिलहाल तो हम कलर स्पेसिफिक नहीं है आ, ये मुझे सामने नजर आया तो मैंने यही उठा लिया ये अब ये देख रहे हैं आप ये मैंने कितना पोर्शन लिया है ये मैंने ये देखिएगा कितना थोड़ा सा मैंने पोर्शन लिया है क्योंकि ये भी इसकी कंसिस्टेंसी थिक है ये बहेगा नहीं कंसिस्टेंसी का कैसे पता चलेगा ये देखें ये मैंने उल्टा भी कर दिया ये पड़ा हुआ है ये बह नहीं रहा बात समझ रहे हैं ये कलर बहेगा नहीं तो अगर कलर बहता नहीं है डाइल्यूट नहीं है इट मीन्स के आपका कलर हैवी बॉडी पेंट है ये कलर या ये पेंट हैवी बॉडी है ऑल राइट right? अब मैं इसमें वाटर कितना ऐड कर रही हूं जितना ये पेंट है इतना ही मैं वाटर ऐड करूंगी ये देखिए ये एक मिनट इसको ज़रा बंद करते हैं और आप खुद दिखाते हैं नज़र आ रहा है ना आपको पानी ऐड कर दिए अच्छा आपको बड़े फैंसी टूल्स मिलेंगे कि आप ये ऐड करें वो भी ऐड करें ये सिंपल वाटर है भाई सिंपल टैप वाटर है ठीक है मैं मोस्टली क्या करती हूँ जो ब्रशेज़ की बैक साइड होती है ना इसी को यूज़ कर लेती हूँ पेंट्स को मिक्स करने के लिए अच्छा अगर तो आप सिर्फ एक शेडो वर्क कर रहे हैं तो ये इतना डाइल्यूट काफ़ी है और जिस तरह ये मैं काम कर रही हूँ तो आप देखें कि ये थोड़ा सा थोड़ा सा कंसिस्टेंसीज़ की मैंने आ, थिक रखी हुई है थोड़ा सा पेंट मैं ज़्यादा करूँगी क्योंकि अभी फ़िलहाल मैंने इसका शेडो वर्क नहीं करना तो यानी ये एक कंसिस्टेंसी आपको दिखा देती हूँ देन इट्स अप टू यू कि आप ये कैसे यूज़ करते हैं अच्छा समर्स हैं मेरी साइड पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी है अभी इस टाइम पे तो मैं अपने एक्रोलिक्स को वेट ही रखती हूँ क्योंकि वो एक स्ट्रोक आप लगाते हैं और दोबारा जब आप पेंट लोड करने लगते हैं ब्रश पे तो उस टाइम तक ब्रशेस मेरे सूख चुके होते हैं ठीक है तो ये तो हो गया अच्छे से लेकिन आपको मैं एक बात कहूँ आपने इसको कम अज़ कम ना मतलब बंद करके इसको आप फाइव टू सिक्स आवर्स छोड़ दें तो यानी इसका जो रिज़ल्ट है ना वो मैं आपको कल दिखाऊंगी कि क्या बनेगा ठीक है इसको फ़ाइव टू सिक्स आवर्स के लिए छोड़ दें ताकि ये अभी ना ये इसमें अलग अलग होगा बहुत अच्छे से ये मिक्स नहीं हुआ होगा जैसे यहाँ पर ये रेड पेंट आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छे से मिक्स हुआ हुआ, हुआ हुआ है ये बहुत ज़्यादा अच्छे से मिक्स हुआ हुआ है तो इतना या इस कंसिस्टेंसी तक लाने के लिए मैं तो ये रिकमेंड करूँ क्योंकि तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि अगर मैं फ़ौरन से करूंगी तो पानी अलग होगा और पेंट भी बहुत ज़्यादा वो नहीं होगा तो आप पहले ही अपने इंक्स बना के रखा करें और तब तक इसमें से ये बबल्स भी खत्म हो जाएंगे तो फिर आप अच्छे तरीके से अपने इन पेंट्स को यूज कर सकते हैं ठीक है बस बंद करके छोड़ दें आप लोगों में से किसी का मुझे एक और क्वेश्चन आया था कि वट अबाउट आइस क्यूब ट्रेज़ तो क्या वो यूज़ कर सकते हैं क्रिलेक्स के लिए जी बिल्कुल कर सकते हैं आप आइस क्यूब ट्रेज़ को यूज़ करें कोई मसला नहीं है हाँ उसको सील कैसे करेंगे तो उसके लिए आपको जो बड़ी वाली टेप होती है ठीक है ट्रांसपेरेंट टेप आप वो यूज़ कर सकते हैं सील करने के लिए या आप लेकिन वही यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है अदरवाइज़ मैंने जो पैकिंग प्लास्टिक होता है वो भी यूज़ किया था लेकिन वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा मेरे कलर्स ड्राई हो गए थे बट आइस क्यूब ट्रे जब मैं यूज़ कर रही होती हूँ तो मैं चौड़ी वाली बड़ी वाली बड़े साइज़ की टेप यूज़ करती हूँ ठीक है so, सो अभी थोड़ा सा आपके कमेंट्स जो आए हैं इनको देख लेती हूँ एंड देन सेशन आज का ख़त्म करते हैं uh, समिया नाजिम मैम ओमेगा की इंक यूज़ करती हूँ ओके okay. के कलर्स गुड अच्छा जी आपसा आसिफ प्लीज़ कीप स्माइलिंग के पेंट्स यूज़ नहीं करने प्लीज़ अब पैसे ना वेस्ट करें अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट लें एक दफ़ा पैसे लगाएं अच्छी प्रोडक्ट लें लेकिन आ, कीप स्माइलिंग के पेंट्स वगैरह प्लीज़ यूज़ मत करें हाँ कीप स्माइलिंग के ब्रशेज़ अच्छे हैं जो चीज़ अच्छी है मैं बताती हूँ कीप स्माइलिंग की कैनवस बुक भी अच्छी थी लेकिन पेंट्स अच्छे नहीं हैं तो प्लीज़ डोंट बाय अच्छा जी उसके बाद इस कैलीग्राफी स्टाइल के रूल्स नहीं हैं कि क्या जैसे स्क्रिप्ट के होते हैं नहीं आप सुलेस जो है वो कुछ और चीज़ है वो बिल्कुल इस किस्म से नहीं है यहाँ पर Uh, क्योंकि हम मॉडर्न कैलीग्राफी या फ्री स्टाइल कैलीग्राफी की बात कर रहे हैं हम ट्रेडिशनल की फिलहाल बात नहीं कर रहे तो ट्रेडिशनल में आप जब एक काम करते हैं तो वहाँ पे हर एक हर के नुकात देखे जाते हैं और जब आप फ्री हैंड में बात करते हैं तो आप देखते हैं कि क्या वो बैलेंस के अतबार से पूरा है क्या वो साइज़ के अतबार से पूरा है अब आप ये देखिएगा बैलेंस की बात अगर मैंने की है तो ये ये यहीं से स्टार्ट हो रहा है ये भी यहीं पर है इससे बाहर ये नहीं मैंने निकाला ये चीज़ें हैं फॉलो करने की जो आपने देखनी इससे बाहर मैंने इसको नहीं निकाला ठीक है ये है बैलेंस तो फ्री स्टाइल में आप बैलेंस को फॉलो करते हैं और ट्रेडिशनल में नुकात भी होते हैं आप नुकात को एंगल्स को एंगल ऑफ मूवमेंट्स को इन तमाम चीज़ों को फॉलो कर रहे होते हैं ठीक है जी रीज़नेबल प्राइस कौन से पेंट्स की हैं आई सजेस्ट के एज अ बिगनर अगर आप प्रोफेशनल क्वालिटी चाहते हैं मैरिज के यूज़ करें मैरिज के सिकूरा के इसमें आपको बहुत सारी कलर वैरायटी कलर रेंज मिल जाती है आप ये यूज़ करें ठीक है वट यू डू थिंग्स अबाउट ब्लू बर्ड एक्रिलिक पेंट्स ब्लू बर्ड के एक्रेलिक पेंट्स अच्छे हैं बट मैं वो यूज़ करती हूँ फॉर बैकग्राउंड जहाँ पर मैंने ज़्यादा बैकग्राउंड बनाना होता है क्वान्टी वाइज प्राइस वाइज वो अच्छे पेंट्स हैं और क्वालिटी वाइज भी बेहतर हैं बट आपको कहते हैं ना कि एक समाइम्स यू आर एडिक्टेड टू सम पर्टिकुलर थिंग्स सो आई एम अडिक्टेड टू मैरिज ठीक है या yeah, सिकुरा के भी अच्छे हैं um, उनके uh, थोड़ा सा ना पाउडरी सा इफ़ेक्ट मुझे लगता है उनके वाइट पेंट पे मौजूद है ब्लू बर्ड के सो so वो इसलिए मैं फिर जहाँ कहीं मैंने बैकग्राउंड पे वाइट पेंट यूज़ करना होता है या बैकग्राउंड पे ज़्यादा पेंट यूज़ करना होता है बैकग्राउंड में मोस्टली मैं फिर ब्लू uh, बर्ड के यूज़ करती हूँ अच्छे हैं बेहतर हैं ठीक है यानी आप मैरिज के लें सिकुरा के लें फेबर कैसल और ये सारे तो हैं ही हैं आ, या फिर आप यानी इनके बाद आप ब्लू बर्ड के ले लें वही बेहतर है ये ओमेगा के क्रिल्स की स्माइलिंग के क्रिल्स ये प्लीज़ मत यूज़ कीजिएगा इज़ तारिक थैंक यू सो मच इफ़ यू हैव सीन दैट वीडियो और ऑयल पेंट्स का भी ऐसे ही बना सकते हैं इंक ऑयल पेंट्स के आप ऐसे नहीं बना सकते ठीक है फिलहाल हम ऑयल पेंट्स को डिस्कस भी नहीं कर रहे और ये कंटेनर आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी इजीली मिल जाएगी ऑयल पेंट्स में ऑयल यूज़ होता है बिल्कुल ऑयल यूज़ होता है लेकिन इस तरह से आप इंक बना के नहीं आप चल रहे होते कि आप उसे कंटेनर में बना के रख दें और आप यूज़ कर लेंगे ऐसे नहीं होता ठीक है अच्छा जी फिर उसके बाद है ऑयल पेंट्स की ऐसी इंक स्टोर हो सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया हफ्सा प्लीज़ एफ पर पेज बना दें ताकि एक प्लेटफॉर्म हो के हम अपना काम दिखा सकें तो इन ताला आ, आज मैं ट्राई करूँगी कि टाइम निकाल के आप लोगों के लिए एक पेज तो खैर अवेलेबल है फ़ानी आर्ट आयशा का आई डोंट नो कि आपने वो आ, उसको फॉलो करें या नहीं करें लेकिन मैं ग्रुप एक बना दूँगी जहाँ पर आप लोग एक दूसरे के साथ भी और मेरे साथ भी अपना वो काम शेयर कर सकेंगे फिर उसके बाद एक और था कि प्लीज़ टर्न ऑन यूट्यूब मेम्बरशिप अंदरान दिन जो सर प्रॉब्लम ये है कि विद इन पाकिस्तान यूट्यूब मेंबरशिप तो अवेलेबल नहीं है बट uh, अगर वो तमाम लोग जो मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं एंड इफ़ यू लाइक माई वर्क तो आप इंस्टाग्राम पर मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आई कैन रिप्लाई यू देर इन डिटेल रिगार्डिंग दिस मेबरशिप ओके हाँ अगर किसी को मैंटोरशिप भी चाहिए कि आप मुझे अपना काम चेक करवाएँ और मैं आपका काम चेक करूँ लाइफ टाइम मैंटोरशिप के लिए दैन इसकी डिटेल्स के लिए भी आप प्लीज़ इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज um, कर दें फानी आर्ट बाईशा एफ ए एन आई ए आर टी डॉट बी वाई डॉट ए आई एस एच ए इस पर आप मुझे मैसेज कर दें तो इनशाला आई विल रिप्लाई यू देयर ओके सो uh, please give us option of membership for your channel as i have told you there is no option for uh, मेंबरशिप अच्छा इजना तारिक मैम विल यू आल्सो अपलोड दिस लाइव सेशन ऑन YouTube जैसे ही ये ख़त्म होता है ना लाइव सेशन मेरे पास तो ये लाइव सेशन ऑलरेडी ऑटोमेटिकली YouTube पर अवेलेबल हो जाता है ठीक है तो आप वहां पर इसे देख सकते हैं दूसरा काम मैं अब ये करूँगी कि मैं uh, Facebook पेज पर भी ना ये जो लिंक्स हैं अभी तक के तीन लेसन के वो मैं अपलोड उधर पेस्ट कर देती हूँ ताकि आप लोग इजीली देख सकें ठीक है उसके बाद अदरान जो जो शोर विल टेक्स्ट यू ऑन इंस्टाग्राम थैंक यू सो आई होप कि आज का सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और आज हम अपने टाइम लिमिट को भी क्रॉस कर गए थर्टी मिनट्स का टाइम और देखें ज़रा टाइम क्या हो गया फोर्टी सिक्स मिनट्स सो so, आई होप कि आप सबके लिए हेल्पफुल रहा है अपना ख्याल रखिएगा किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो कल के लिए स्टोर कर लें ठीक है कल हम फिर से मिलेंगे एट दी सेम टाइम नाइन पी अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम सेम चैनल पे बस अपने आर्ट मटेरियल्स अपने साथ रखिएगा कल हम नेक्स्ट लेटर्स को देखेंगे सीन शीन स्वाद दुआद तो चार लेटर्स यानी सीन शीन स्वाद तीन डिफरेंट शेप्स होंगी आपको कल मैं उनके बारे में बताऊँगी टेक केयर ख्याल रखें दुआ में मुझे याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़